भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर जहां पुलिस को लगातार सफलता हाथ लग रही है, वहीं आपराधिक गतिविधि में लिप्त अपराधियों के बीच इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराधियों की धरपकड़ और हथियार बरामदगी को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर भागलपुर पुलिस द्वारा हथियार से जुड़े कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में पुलिस को 9 अलग अलग किस्म के हथियार और 172 जिंदा कारतूस मिले हैं। साथ ही 3 अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें आर्मी से सेवानिवृत्त मणिकांत, पुरानी सराय निवासी निखिल रंजन और रामपुर खुर्द निवासी राजा बाबू शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में 10 तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 23 हथियार और 362 राउंड कारतूस की बरामदगी भी पुलिस ने की है। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और कहीं भी जब अपराधियों के द्वारा कार्रवाई कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हथियार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह से लगातार हथियार बरामदगी और इसके जो तस्कर हैं अथवा इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। और जिसमें लगातार ये जो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ, तो ये पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार हम लोग इसी विषय पर मिल रहे हैं। और कल इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि जो कार्रवाई हुई है सिटी एसपी साहब हैं श्री राज, उनके नेतृत्व में एएसपी प्रोबेशनर श्री अभिनव और अजय कुमार चौधरी जो डीएसपी सिटी हैं, एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली और सब इंस्पेक्टर सुशील राज, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रजक जो हमारे डीआई प्रभारी हैं, और सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर राकेश, सब इंस्पेक्टर आदर्श नंदन कुंदन और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर धनंजय, कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु और रजनीश, इन लोगों की एक टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार इसको काम किया है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक मणिकांत है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, और एक निखिल रंजन है जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है, पुरानी सराय का रहने वाला है, और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है। और इन लोगों के पास से कुल 9 हथियार, विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 9 हथियार मिले हैं, जिसमें 3 कट्टा है और 2 पिस्टल है, 2 बंदूक है, 1 राइफल है और 1 एयर गन है, और कुल 172 विभिन्न स्पेसिफिकेशन के कारतूसों की बरामदगी हुई है। और उसके साथ कुछ छोटे मोटे हथियार साफ करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। और यह अभियान पिछले 24 घंटे से चल रहा था, और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। और जो मैं पिछले एक सप्ताह से इस अभियान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पिछले एक सप्ताह में कुल 10 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, 23 विभिन्न प्रकार के हथियारों की बरामदगी की गई है और 362 कारतूस की बरामदगी की गई है। तो भागलपुर पुलिस के द्वारा हथियार और हथियार की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से जाम की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक सकारात्मक पहल की गई है। दरअसल शुक्रवार को जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खासतौर पर उन इलाकों को चिन्हित किया गया जहां पर जाम की समस्या अक्सर बनी रहती है। जिलाधिकारी ने कहा कि शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए अब शहर के चौक चौराहों पर बस नहीं रुकेगी, न ही शहर के अंदर बस और बड़े वाहन प्रवेश कर सकेंगे। लगातार जाम की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने नए बस स्टैंड की शुरुआत की है। जीरोमाइल थाना के सामने बस स्टैंड बनाया गया है। यहां से अब कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया समेत अलग अलग जिलों के लिए बस मिलेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर की जनता को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जीरोमाइल में बस स्टैंड बनाया गया है, साथ ही अब शहर में ई रिक्शा पर भी नियंत्रण किया जाएगा। सबसे पहले मैं समस्त भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि पूरे शहर में जाम की समस्या थी, और मैंने जितने भी लोगों से मिला सभी लोगों ने कहा सर जाम से हम लोग तबाह हैं। उसी में जब उपाय ढूंढा गया कि जाम होता क्यों है, तो पता चला कि कई बस जो है शहर में प्रवेश करते हैं पिक टाइम में, और छोटे वाहन भी रहते हैं और ऑटो रिक्शा हैं और कई लोग साइकिल से भी हैं, मोटरसाइकिल से भी हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो बड़ी बसें हैं उन बसों का पड़ाव
सुबह 10 बजे से लेकर रात के 6 बजे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये पड़ाव इसी औद्योगिक थाना क्षेत्र के पास रहेगा। और उसके बाद रात में 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हम लोग शहर में गाड़ी को अलाउ करेंगे ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग एक वाहन पड़ाव स्थल बनाने जा रहे हैं जो बहुत जल्द 4 से 5 दिनों में तैयार हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी बसें जो बाहर की जाती हैं और दूर जाती हैं उन बसों के लिए भी हम लोग एक और वाहन पड़ाव स्थल बनाएंगे ताकि आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, आप हमें सहयोग करें, हम आपके लिए तत्पर हैं और हमारे सारे अधिकारी आप इस जिला के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं, आप सहयोग करें। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में केंद्र सरकार की योजना के तहत गंगा के तटवर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए विक्रमशिला समानांतर सेतु निर्माण कार्य का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण के दौरान कहा कि पहले का जो पुल है वो काफी छोटा है, उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था और कहा था कि इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो सड़क दुर्घटना लगातार होंगी। उसके बावजूद सड़क को चौड़ा नहीं किया गया और लगातार दुर्घटनाएं होती रही, पर नए फोरलेन पुल में दुर्घटना काफी कम होगी। 2015 में हमने नितिन गडकरी को यह प्रस्ताव दिया था, अब जाकर यह काम हो रहा है, यह भागलपुर वासियों का और हमारा सौभाग्य है। इसमें डॉल्फिन सेंचुरी क्षेत्र को लेकर परेशानियां थी, पर्यावरण विभाग से हमने परमिशन लेकर काम करवाया, वर्ष 2027 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मौके पर कार्यरत कर्मी व अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि SP सिंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को 4.5 किलोमीटर लंबे फोरलेन पुल के निर्माण का ठेका मिला है। फोरलेन पुल का निर्माण कार्य 1000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसके निर्माण होते ही पूर्वांचल और सीमांचल के लोगों को काफी सहूलियत होगी। पूर्व में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में निर्माण कराए गए विक्रमशिला सेतु में अमूमन जाम की समस्या बनी रहती है, जिसको लेकर केंद्र ने लोगों की सुविधा के लिए यहां पर पुल की घोषणा की थी। जिस समय ये विक्रमशिला पुल बना था उस समय मैं यहां विधानसभा का विधायक हुआ करता था भागलपुर से। मैंने उस समय भी विरोध किया था, इतने कम चौड़े पुल में घटनाएँ घटेंगी, और लगातार जब से बना है तब से घटनाएं घट रही थी। सौभाग्य की बात है कि हमारी केंद्र में सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे श्री गडकरी जी ने जो काफ़ी साइंटिफिक ढंग से इसके बारे में बहुत विश्लेषण हुआ, 2014-15 हमने ये प्रस्ताव दिया था कि कहलगांव ये भागलपुर में एक पैरेलल होना चाहिए, और वो भी एनएच जो होता है ये 6 लेन बनना चाहिए, ताकि 6 लेन बनेगा तो हमारा उधर नौगछिया साइड इधर का हम NH को कवर कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से लगभग ये 150 फोर लेन का ये प्रस्ताव जो है वो बन रहा है। इसमें जो परेशानियां थी, ये जो आपका डॉल्फिन का उसको लेकर के काम रुका हुआ था, तो मैंने 6 महीना पहले अपने पर्यावरण मंत्रालय से डॉल्फिन के और उन सब चीज़ों को देखते हुए उसके लिए कुछ इनको मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है दिशा निर्देश, तो दिशा निर्देश दे करके और उसकी परमिशन दे दी गई है।
माघ मास शुक्ल पक्ष के वसंत पंचमी के अवसर पर विद्या कला संगीत की देवी माता सरस्वती की पूजा भागलपुर समेत देश के विभिन्न जगहों पर धूमधाम से की गई। इसको लेकर शुक्रवार को सुबह से ही प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान पूरे शहर में मां शारदे की प्रतिमा विसर्जन का दृश्य दिखाई देता रहा, जहां किसी ने सादगी के साथ तो किसी ने डीजे और फिल्मी धुनों पर थिरकते हुए विसर्जन शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। प्रशासनिक आदेश के अनुसार शुक्रवार को माता सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन की गई। गुरुवार होने के कारण वसंत पंचमी के एक दिन बाद प्रतिमा विसर्जन नहीं किया गया था। एक ओर जहां छात्र छात्रा और युवा भक्ति और फिल्मी धुनों पर थिरकते रहे, वहीं महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता को नम आंखों से विदाई दी। इसी के साथ तीन दिनों तक भक्ति के माहौल में हुई माता शारदे की पूजा संपन्न हो गई। विसर्जन यात्रा में सभी श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष माता के आगमन समेत कई तरह के जयकारों के साथ मां शारदे को विदाई दी। माता सरस्वती को बुद्धि विद्या कला संगीत की देवी माना जाता है। सभी छात्र छात्राओं ने माता की पूजा कर सुख एवं समृद्धि की कामना की। वहीं शहर के भिकनपुर मिर्जानहाट खंजरपुर मुंदीचक सिकंदरपुर बूढ़ानाथ समेत विभिन्न मोहल्लों और शिक्षण संस्थानों से धूमधाम के साथ प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली गई। भागलपुर के अलीगंज स्थित काली मंदिर में चैलेंज क्लब की ओर से माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर मां की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूरे भक्तिभाव से पूजा के साथ समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल नरेश साह संतोष कुमार और चर्चित हास्य कलाकार आदर्श आनंद समेत कई अतिथियों ने समारोह में शिरकत किया। इस दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मेयर बनने के बाद एक वर्ष का समय उन्हें चीजों को समझने में लगा, जबकि इस बीच नगर आयुक्त से टकराव एवं उचित सहयोग नहीं मिल पाने के कारण कई विकास कार्य प्रभावित हुए, लेकिन वर्तमान नगर आयुक्त विकास कार्य के प्रति काफी सजग हैं और कई योजनाओं एवं आम लोगों के हित में विकास कार्य को लेकर उनसे बातें की गई है। साथ ही अंगपुत्र आदर्श आनंद ने भी अपनी कला से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पूजा समिति द्वारा सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर पूजा समिति के सदस्य छात्र छात्रा एवं अन्य भक्त मौजूद थे।